पर पिपरिया से जहां नगर के एडवोकेट धर्मेंद्र नागवंशी ने डॉक्टर की मांग को लेकर जब आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा दी जा रही है, जबकि नाम सिविल अस्पताल है। इस पर जब हमने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के अग्रवाल से बात की, तब उन्होंने भी ये बात मानी कि अस्पताल असुविधाओं से जूझ रहा है। प्रदेश और देश की काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, पिपरिया से होकर ही जाते हैं। इसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं, और पिपरिया आसपास में जो है बड़ा अस्पताल होने की वजह से यहाँ से बनकेरी से, परंतु स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी और अन्य डॉक्टरों की कमी से हम उन्हें इलाज नहीं कर पाते। जैसे कि हड्डी रोग का भी कोई डॉक्टर नहीं है हमारे पास में, बच्चे रोग का भी नहीं है, मेडिकल विशेषज्ञ नहीं है, तो इस वजह से जो है उन लोगों को पूरा इलाज नहीं मिल पाता, और कुछ ऐसे गंभीर मरीजों को हम प्राथमिक उपचार दे करके हमें जिला अस्पताल भेजना पड़ता है। जनता को जो दिखाया जाता है और जो वास्तव में होता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। सुना है देश गांव से चलता है और ग्रामवासी के नाम पर नेता पलता है, झूठे वादों सच्ची आशक के मध्य उलझती सुलझती आमजन की मूलभूत समस्या, ऐसा ही कुछ उदाहरण सामने नजर आ रहा है पिपरिया शासकीय अस्पताल का। लगभग 200 गांव में रहने वाले किसान मजदूर व अन्य की आस सिविल अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। एडवोकेट धर्मेंद्र नागवंशी, पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता संघ, साथ में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला सचिव ने डॉक्टर की मांग को लेकर जब आवेदन दिया, तो उसमें अस्पताल की जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की मांग की। आइए जानते हैं धर्मेंद्र नागवंशी जी से क्या है मामला। आज के दौर में छाव पलटा बना हुआ है, जबकि स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और स्थानीय शिवराज सिंह गवर्नमेंट ने सिविल अस्पताल की प्रक्रिया पे पुष्टि की थी, परंतु आज तक गजट पब्लिकेशन पे नहीं है। 139 विधानसभा क्षेत्र पिपरिया के सारे क्षेत्रों के अस्पताल देखे तो पिपरिया का अस्पताल, पचमढ़ी का अस्पताल, बनखेड़ी का अस्पताल और सांडिया का अस्पताल, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ नाम मात्र के एक छलावा रह गए हैं। इनमें काम करने वाले एक क्लास के डॉक्टर नहीं है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।